मांग संख्या 30 और 32 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश में ये विडंबना रही है, जब जब आदिवासियों के पर आदिवासियों के उत्थान की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, पिछड़ों के उत्थान की बात हो या महिला उत्थान की बात हो, तब तब कोई ना कुछ ना कुछ ना विडंबना आई जाती है। जो पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, आदिवासियों को वोट बैंक समझती है, वही पार्टी जब आदिवासियों का अधिकार की बात होती है तब किस प्रकार से उस आदिवासी उत्थान की बात को, महिला उत्थान की बात को रोका जाए, उसको लेकर के दिक्कत पैदा करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने जो बात कही है, मैं पूरा देख रहा था सदन के अंदर, स्पीकर साहब की पीड़ा वास्तव में पीड़ा है दक्षिण राजस्थान के ऊपर जो उन्होंने जाहिर करी, और वास्तव में गंभीरता से विचार रखने की बात है। आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं और पूरी तरीके से आप जानते हैं कि आदिवासियों का उत्थान किस प्रकार से हो सके, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जा सके, इसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। आज मैं सबसे पहले तो महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आपने 5,000 और 3,000 मिनी और मैन आंगनवाड़ी खोलने का जो बजट के अंदर घोषणा करी है, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं माननीय ये भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वास्तव में आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी की ज़रूरत आदिवासी क्षेत्र के अंदर ही है, क्योंकि आज भी वहाँ पौष्टिक आहार समय पर बच्चों को नहीं मिल पाता है, इसलिए आदिवासी के बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और वो उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाता है, मानसिक रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो आंगनवाड़ियों की घोषणा करी है, हर गांव के अंदर आंगनवाड़ी खुलनी चाहिए, और क्योंकि आदिवासी के जो गांव हैं बिखरी आबादी है, जहां संख्या थोड़ी ज़्यादा हो वहां मेन आंगनवाड़ी खुल जाए और जहां संख्या कम हो वहां मिनी आंगनवाड़ी खुल जाए, ताकि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके और उनके शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरीके से वो विकसित हो सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उड़ान योजना लागू करके महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सोचा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, यहाँ तक कि 2 से 3 लाख रुपए रिटायरमेंट होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी देने का जो काम किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले जिन लोगों के पोसार के पैसे बाकी थे माननीय मंत्री जी ने वो भी रिलीज़ किए, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी के अंदर काम करने वाली सहायिका साथी और ये सहयोगिनी, इनकी पीड़ा काफ़ी लंबे समय से है और इनको जो मानदेय मिलता है इस महंगाई के दौर में नहीं के बराबर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, हर बजट में कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से और मांग करता हूँ, उनका इतना मानदेय हो जिससे उनके परिवार का पालन पोषण सही से हो जाए, इसके ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है। अब मैं TAD जो मांग संख्या 30 है, संपूर्ण मैं जिस जिले से आता हूँ संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आदिवासियों के विकास के लिए जो बजट 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए किए, 250 महाबाड़ी खोलने का आपने काम किया और मेरे खुद के हिंगलाड़ पंचायत के अंदर आपने आश्रम छात्रावास खोलने का काम किया और प्रतापगढ़ जैसे ट्राइबल जिले के ऊपर आपने 7 कॉलेज
प्रतापगढ़ को स्पेशल आदिवासी जिला होने की वजह से आपने राज्य मद से मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। आपने ट्राइबल क्षेत्र के मेरे जो गांव थे पंचायत समिति दमोतर सुहागपुरा और दलौट को पंचायत समिति तहसील बनाने का काम किया। आपने सुहागपुरा को उपखंड कार्यालय बनाने का काम किया। आपने पांच पांच आवासीय विद्यालय खोलने का काम किया। कई स्कूल आपने क्रमोन्नत करने का काम किया। आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने का काम किया। ये सारे काम कहीं ना कहीं आदिवासियों के उत्थान में अहम भूमिका निभाएंगे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा आज भी वहाँ परेशान है। अभी हमारे पूर्व स्पीकर साहब ने कहा है वहाँ कितने आरएस बने, कितने आरजेएस बने, कितने आरपीएस बने, ये जब देखने पर पता चलता है तो मन ही मन में पीड़ा होती है। पूरे संभाग के अंदर मैंने आज तक मेरे जीवन काल में कभी जातिवाद नहीं किया, सभी धर्मों को सभी जातियों को साथ में लेकर चलने का काम करता हूँ। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ के युवा चाहते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए सभी जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाए। आरएस और आरजेएस में आज तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। हम एक दिन डीजी साहब, पूर्व डीजी साहब, हम बात कर रहे थे तो डीजी साहब मुझे मजाक मजाक में कह रहे थे कि रामलाल तेरे को तो बिना पढ़े आरएस आरजेएस चाहिए, लेकिन एक गरीब का बच्चा झोंपड़ी में पढ़ के बिना लाइट के लकड़ी जला के उसके उजाले में पढ़ के सामान्य एसटी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आरएस और आरजेएस में जिस प्रकार से आपने एमबीबीएस प्रवेश में, इंजीनियर के प्रवेश में 12 में से 5.5% आरक्षण दिया है, उसी प्रकार से एमबीबीएस और इंजीनियरिंग में भर्ती के अंदर भी ये नियम लागू हो और आरएस और आरजेएस के अंदर भी जितनी एसटी की जनसंख्या है उसमें अनुसूचित क्षेत्र की जितनी जनसंख्या है उसका अलग से उनको मिल जाए, ताकि वहाँ के युवाओं को आरएस आरजेएस बनने का सपना भी उनका पूरा हो सके। आज हमने उनको अधीनस्थ सेवाओं में मौका देने का काम किया तो वो अधीनस्थ सेवाओं से आगे आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो मेन आरएस और आरजेएस में उनको मौका नहीं मिलेगा अलग से तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये भी जल्दी हो जाए। टीएसपी क्षेत्र की जो बात है, जब जब वहाँ के युवा लगातार एक ही मांग कर रहे हैं और स्थानीय युवा और बाहर के नॉन टीएसपी के कार्मिक भी मांग कर रहे हैं कि हमको टीएसपी क्षेत्र में हम जो कार्मिक लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको हमारे गृह क्षेत्र में समायोजित की जाए, और वहाँ के युवा जो मांग कर रहे हैं कि हमें जो नॉन टीएसपी कार्मिक अपने गृह क्षेत्र में चले जाएंगे वो रिक्तियाँ रिक्त हो जाएगी तो हमें स्थानीय लोगों को, युवाओं को मौका मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार ने लगातार ये प्रयास भी किए हैं, 6/1/2023 को एक कमेटी भी गठित की माननीय राज्य मंत्री जायदा जी से जी के साथ में, और सौरभ जी स्वामी जी ने भी हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर सदर साहब के समय में ये अनुशंसा भी कर दी और कह भी दिया और कई विकल्प भी ले लिए गए। उसके बाद काम धीरे धीरे ये जो चल रहा है, जल्दी से जल्दी जो नॉन टीएसपी के कार्मिक हैं जिन्होंने अपने विकल्प पत्र भी दे रखे हैं, ऐसे कम से कम 28,000 कार्मिक हैं उनको गृह क्षेत्र में भेज के स्थानीय युवाओं को वो सीटें भरने का काम किया जाए, ताकि एक बात बीच में ये और आ रही थी कि बाहर के जो कार्मिक हैं वो सभी चले जाएंगे, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लेकिन सभापति महोदय ऐसी कोई स्थिति नहीं है। टीएसपी क्षेत्र में 45% आरक्षण एसटी को है, 5% आरक्षण एससी को है, उसके बाद 50% का जो मामला है वो अनारक्षित मानते हुए जो टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनको मौका मिलता है। तो सभी वर्गों के लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी कि जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। इसलिए मैं आज ये मौका है, इस मौके के मौके पर पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी नॉन टीएसपी के कार्मिकों को अपने गृह क्षेत्र में भेज करके वहाँ के स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाए, क्योंकि अभी
जब ये नियम 2014 बना था उस समय स्थानीय लोग कर्मचारी वहाँ नहीं थे। उस समय ये स्थिति थी कि नौकरी लगने के बाद में यहाँ से लोग जाते नौकरी लग के वहाँ ज्वाइनिंग करके महीने छः महीने के अंदर ट्रांसफर करके आ जाते थे, जिससे वहाँ की स्थिति गड़बड़ा जाती थी, स्कूलें बंद रह जाती थी, हॉस्पिटल बंद हो जाते थे। लेकिन आज वहाँ का युवा पढ़ लिख करके बीएड कर दी, एसटीसी कर दी, जीएनएम कर दी, नर्सिंग कर दी, वो आज नौकरी करने के लिए सक्षम है, पात्र है। इसलिए अब वहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। और जितने 2500 टीचर और जो विभाग अन्य विभाग के जो कर्मचारी बाकी रह गए हैं, आपके बिजली विभाग के अंदर ये काम हो गया, कृषि विभाग में 100% नॉन टीएसपी कर्मी को बाहर भेज दिया गया, अन्य डिपार्टमेंट में भी भेज दिया गया, लेकिन ये एक या दो डिपार्टमेंट रह गए हैं उसके अंदर भी 13,000 ये नियम बना उसके बाद में 13,000 से 14,000 लोग वहाँ स्थानीय नौकरी लग चुके हैं। आज सारी सीटें वहाँ भरी हुई है। जब तक नॉन टीएसपी के कार्मिक 2500 जो कार्मिक हैं वो बाहर जाएंगे तभी वहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप नॉन टीएसपी कार्मिकों का हित भी देखते हुए और टीएसपी के बेरोजगार युवाओं का हित को देखते हुए जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर करावें ताकि टीएसपी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार नौकरी मिल सके और नॉन टीएसपी कार्मिक भी अपने गृह क्षेत्र में जा सके। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्र के अंदर आरटेट में भी छूट दी गई थी, पुलिस भर्ती में भी छूट दी गई है, वन विभाग की भर्ती में भी छूट दी गई है। इसी प्रकार से कंप्यूटर अनुदेशक और शारीरिक शिक्षक की जो पात्रता के जो अंक हैं उसके अंदर भी छूट देकर के जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए, क्योंकि वहाँ पात्रता जो रखी गई थी उस पात्रता में कोई क्वालिफाई हो ही नहीं, उसकी वजह से वहाँ के लड़के नौकरी लगने से वंचित रह गए और पूरे राजस्थान की बात है। इसलिए कंप्यूटर अनुदेशक और शारीरिक शिक्षक की जो पात्रता है उसमें छूट देकर खाली जो पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। आज महाबाड़ी की बात करें, जनजाति विकास विभाग के अंदर महाबाड़ी जो केंद्र हैं, डे केयर जो केंद्र हैं, ये केंद्र सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं, उनके मन में शिक्षा के प्रति भावना भी पैदा कर रहे हैं। और ये बच्चे, ये शिक्षा सहयोगी जंगल के कोने कोने से बच्चों को लाके पढ़ा रहे हैं, जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो 250 जो महाबाड़ी करी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से 500 महाबाड़ी करने की मांग करता हूँ। दूसरा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है वो कि वो स्थिति महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी की है, उनको नहीं के बराबर वेतन मिलता है, इसलिए कम से कम 30,000 के आसपास उनको वेतन मिले ताकि वो उनका परिवार का भरण पोषण भी सही तरीके से कर सकें। और जो नियमित करने का जो नियम 2022 सरकार लाई, जिसमें पंचायती राज, जिसमें पंचायत सहायक और इन सबको पैरा टीचर शिक्षाकर्मी इन सबको प्रमाणन करने का काम किया है, इसी नियम के अंतर्गत मैं जनजाति मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि महाबाड़ी शिक्षा सहयोगियों को भी इसके अंदर लावें ताकि जो गरीब आदिवासियों के बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे के लिए भेज रहे हैं उनका भी कल्याण हो सके, उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो सके। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि नियम 22 जो नियमितीकरण का है उसमें महाबाड़ी शिक्षा सहयोगी को भी लिया जाए। और इनका जो डिपार्टमेंट है स्वच्छ परियोजना के मार्फत नहीं करके टीएडी डिपार्टमेंट खुद इसको संचालित करे ताकि उनको समय पर वेतन मिल सके, उनकी जो मांगे उनका पूरी तरीके से पूर्ति हो सके। और पोसार के अंदर कई बार गड़बड़ियाँ पाई जाती है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पोसार पौष्टिक हो, व्यवस्थित हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, उसके लिए भी आप अलग से टीम गठित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आदिवासियों के कल्याण के लिए, हक अधिकार के लिए
जो वन क्षेत्र के अंदर आदिवासी रह रहे हैं उनको खेती करने का हक देने के लिए वनाधिकार हक कानून लाए। हमारे जाड़ों से आने वाले विधायक साहब कह रहे थे कि हमारे पट्टे नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को, मेरे पास लेटर भी पड़ा है कि आपने एक अभियान चालू किया है कि 1 मार्च से लगा करके 30 जून तक एक व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे जारी करने का जो आपने जो ऑर्डर जारी किया है, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और माननीय हमारे जाड़ों से आने वाले माननीय सदस्य भी पूछना चाहूँगा, 5 साल के अंदर आपने इस कानून को कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया कानून को मानते हुए एक भी आदिवासी को एक भी पट्टा देने का काम आपने नहीं किया, एक भी पट्टा देने का काम आपने नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि सीट पे बैठने के तुरंत बाद आपने वनाधिकार हक देने का काम किया और इस कानून के अंतर्गत अधिक से अधिक पट्टे मिले, इसलिए इसको और सरल करने के लिए ई मित्र पे ऑनलाइन करने का काम भी आपने किया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं और TAD आयुक्त भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पट्टे मिल रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। एक DFO की शिकायत भी आपके सामने मैं करूँगा, जो पैसे के चक्कर के अंदर वनाधिकार की फाइलों को आगे नहीं बढ़ाता है। मैंने बिजली विभाग की फाइलों को देखा, मैंने सड़क की फाइलों को देखा, मैंने WRD की फाइलों को देखा, वो पैसे के चक्कर में NOC जारी नहीं कर रहा है। ऐसे प्रतापगढ़ के DFO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात आपके साथ हमेशा ही हो रहा है, आप तो आदिवासी की बात ही नहीं करोगे ना। ये जो वना अधिकार एक्ट है, धारा 3(1) और 3(2) की पूर्ण रूप से पालना तभी होगी जब आप एक सीनियर IAS की ड्यूटी लगा करके, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये आप चाहोगे तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बिजली के, पानी के, सड़क के, ऊर्जा के, जो भी सामुदायिक पट्टे बाकी हैं एक साथ भी हो सकता है अभियान चला करके, 3 महीने के अंदर भी हो सकता है। और आपको अगर कार्य करने की क्षमता है तो 1 महीने के अंदर भी सारे काम हो सकते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, एक सीनियर IAS की ड्यूटी लगा के, क्योंकि इसमें TAD डिपार्टमेंट कहता है कि राजस्व वाले करेंगे, राजस्व वाले कहेंगे कि पंचायती राज वाले करेंगे, इस तरह से ये मामले अटकते जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सुबह भी मैंने क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी ये बात थी, एक क्षेत्रीय वन अधिकारी ने सिर्फ ये करके आदिवासी समाज के जो फाइलें सोलर पंप की जो थी उनको रिजेक्ट करने का काम किया, उनको नहीं लगाने दिया कि हमको बिना NOC के नहीं लगाओगे। जब आपने वनाधिकारी हक के व्यक्तिगत पट्टे आपको आप दे रखे हैं, उसके बाद में भी आप वहाँ सोलर पंप नहीं लगाने दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं विभागीय मिस्टेक है। इसलिए कमिश्नर साहब, एक अच्छे अधिकारी, जो मजबूत अधिकारी हो, उसकी टीम लगा के सप्ताह में एक दिन प्रतापगढ़ भेज दो, सप्ताह में एक दिन डूंगरपुर भेज दो, सप्ताह में एक दिन बांसवाड़ा भेज दो, सप्ताह में एक दिन उदयपुर भेज दो, और जहाँ जहाँ TSP क्षेत्र में आ रहा है उनको एक दिन में पूरी कार्रवाई करके हर सप्ताह का एक दिन एक जिले को दे दो, ताकि ये 1 महीने के अंदर अंदर आपने जो ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर के आधार पर सभी सामुदायिक पट्टे जारी हो जाएंगे और सभी व्यक्तिगत पट्टे भी जो पेंडिंग पड़े हैं वो जारी हो जाएंगे, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। आज पाल मांडकला जो प्रतापगढ़ उपखंड की पंचायतें हैं और देवपुरा की ग्राम पंचायत जामुवेला, ग्राम पंचायत देवपुरा के जामुवेला गांव और सभी विवेक कुछ गांव, ये आज भी मूलभूत सुविधा बिजली पानी सड़क से वंचित है। और जब तक आप एक अधिकारी को नॉमिनेट करके सख्त तरीके से ड्यूटी नहीं लगाओगे तब तक इन लोगों को पट्टे नहीं मिल पाएंगे। और ये कानून सिर्फ साधारण वन क्षेत्र में लागू नहीं है, इसमें यह लिखा गया है सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, सभी के अंदर जहाँ जहाँ आदिवासी निवास कर रहे हैं वहाँ उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए ये कानून उस पर भी लागू है। तो क्यों ना उनके ये सड़कें बने, क्यों ना उनकी बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था हो जाए। आज एक मैं घटना बताना चाह रहा हूँ, बारिश के अंदर चीते ने आदिवासी के ऊपर हमला किया और 3 दिन तक प्रशासन नहीं पहुँच पाया। वो इसलिए नहीं पहुँच पाया कि वहाँ सड़क नहीं थी, बारिश हो रही थी, गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही थी। फिर मैं खुद मोटरसाइकिल लेके वहां गया, पीछे पीछे प्रशासन आया, उसके बाद दूसरा हमला और हुआ, श्री फूल सिंह मीणा, दूसरा हमला और हुआ,
दूसरे हमले के बाद में सीता उसके घर के ऊपर से एक आदमी को उठा के लेके चला गया। इसलिए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए वहाँ की सड़क, वहाँ की बिजली की, वहाँ के पानी की पूरी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, दो मिनट रुक जाओ, आदिवासियों के लिए बोलने दो प्लीज, प्लीज सहयोग। आप नहीं बोलोगे इसका मतलब ये थोड़ी हुआ क्या? माननीय सदस्य सहयोग करें प्लीज, बिराजिए बाप। दो मिनट, माननीय सभापति महोदय, ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट है, इसकी पूरी पालना करने के लिए धारा 3(2) और 3(1) की पालना करने के लिए मैं मांग करता हूँ सीनियर आईएएस की ड्यूटी लगा करके महीने डेढ़ महीने के अंदर पूरे टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो जो सामुदायिक पट्टों की फाइलें पेंडिंग पड़ी है या नहीं लगी है तो उनको लगाए ताकि वहाँ के आदिवासियों को मूलभूत सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्री पूर्णचंद मीणा।